अरुणाचल में या मणिपुर, जो भी सीट वहाँ जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते, और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा कर अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो गठबंधन धर्म का धर्म मिला, और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में छोड़ा और 1 को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों में से 5 विधायकों को मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। इससे पहले अरुणाचल में इस तरह की घटनाएं घट चुकी है और अब इसको लेकर जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने कहा, जिस प्रकार से अरुणाचल में जो हुआ है और जिस प्रकार से मणिपुर में जो घटना घटी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए कि कितना गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से अरुणाचल में थे हुआ था घटना, उस वक्त सरकार में रहने के बावजूद भी कितना गठबंधन धर्म का आप लोग पालन कर रहे थे, उसी का ये नतीजा हुआ है। और मणिपुर में जिस प्रकार से कल जो है 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है, तो ललन सिंह ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता दल यूनाइटेड घबराने वाले में से नहीं है। आप विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर धन और बल का प्रयोग किया गया है, मणिपुर में धन बल का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार का परिभाषा ही बदल दिया है। ललन सिंह ने इस बात को कहा है, उन्होंने कहा है कि जहां पर धन बल का इस्तेमाल किया जाए वहां सदाचार है, और जहां पर विपक्षी पार्टियां एक जगह एक मंच पर हो रही है तो ये भ्रष्टाचार है। ललन सिंह ने किस प्रकार से तंज कसा है और क्या कुछ कहा है, सुनिए उनके बयान को। देखिए, अरुणाचल में या मणिपुर में हम जो भी सीट वहाँ जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते, और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा कर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे, और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और 1 को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ, और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है, और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह, तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे दुले हो जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023। भाजपा ये बोल रही है कि आप लोग पहले पार्टी बताए तो हमने पीएम का सपना देखे, पार्टी बचाए तो हमने। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो आपको बता तो दिए, पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहां जाएंगे। सर, एक बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जब अपने पार्टी के विधायक नहीं संभाल पा रही है जेडीयू, तो पूरा गठबंधन कैसे करेगी, कैसे उनके बात होगी। अरे, आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं, झारखंड में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले। हर जगह ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है, दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है, झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा।
आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। सर आपको आशंका है कि बिहार में कुछ ऐसा बीजेपी कर सकती है? बिहार में बहुत यहाँ के नस नस में राजनीति है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ना, हमारी पार्टी के एक एजेंट को लगा के बहुत प्रयास किया उन्होंने, सफल नहीं हुए।